Hey, welcome back, boys and girls. Merry Christmas and a happy new year. कैसा जा रहा है भाई तुम्हारा क्रिसमस? जरूर बताना भाई मुझे. गिफ्ट्स का एकदम लेन देन होना चाहिए भाई. अगर नहीं मिला तो मैं गिफ्ट तो भाई कुछ नहीं कर सकते भाई. मेरे को खुद ही नहीं मिला है तो क्या ही करें भाई. बट ओके, दैट असाइड, कुछ अपडेट्स आए हैं भाई नए पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड में. और काफ़ी दिनों से हम भाई आए भी नहीं थे इस गेम में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग ला ली जाए भाई. एक दो हफ्ते बाद हम लोग एक गेम को खेल रहे हैं. नहीं, एक दो हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा, बट या काफ़ी टाइम हो गया भाई. तो एक मूवी आई थी अभी पोकेमॉन की, पोकन कोको करके. उसमें जरूर को इंट्रोड्यूस किया गया था एक नया मिथिकल पोकेमॉन है या लेजेंडरी पोकन है पता नहीं भाई मेरे को. और काफ़ी हद तक ये थॉकी की तरह दिखता है, वो जो अपना ग्रूकी का एवोल्यूशन है ना उसकी तरह दिखाई देता है. तो या आई एम एक्साइटेड टू चेक हिम आउट. तो इसका कोड एक्चुअली कुछ न्यूज़लेटर वगैरह साइन इन करना पड़ता है तो मैं पोकेमॉन की वेबसाइट पे, वो मैंने किया नहीं था भाई. बट हमारे दोस्त भाई ईशान ने हमें कोड दे दिया है. थैंक यू ईशान फॉर गिविंग मी दिस कोड. तो इसको मैं क्लेम करने वाला हूँ. मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता है कि कैसे करते हैं, बट आई थिंक मिस्ट्री गिफ्ट से होता होगा ये. आई एम प्रिटी सर्टेन मिस्ट्री गिफ्ट से ये होता होगा. तो हम लोग गेट विथ अ कोड और पासवर्ड करते हैं और इसमें जो कोड दिया गया है भाई वो डाल के देखते हैं. होपफुली ये कोड अभी भी वैलिड हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसके ये मुझे कोड दिए हुए पर मैंने यूज़ नहीं किया था. ओके, देवी को भाई ये काम करना तो चाहिए, एकदम परफेक्टली फिट हो तो रहे वैसे. ओके कम ऑन, लेट्स गो. जरूर, ओ देवी को क्या बात है भाई, हमें मिथिकल पोकेमॉन जरूर मिल चुका है. नॉइश, तो इसको हम लोग जरा ट्राई आउट करेंगे. बट एक और चीज़ है जो आज हम लोग करने वाले हैं, वो है एक शाइनी हंटिंग करने वाले हम लोग. काफ़ी आसानी से मिल जाना चाहिए. ओ या दिस इज हिम, ये भाई ज़रूर तुमने शायद से देखा होगा यार इसको. मूवी तो भाई अपने आप पे अभी आई नहीं है और पता नहीं कब तक ही आएगी, बट श्योर मैन हमने कम से कम पोकेमॉन तो मिल ही गया ना. डार्क और ग्रास टाइप है ये. विद इन डेंस फॉरेस्ट दिस पोकेमॉन लिव्स इन अ पैक विद अदर्स ऑफ इट्स काइंड. इट्स इनक्रेडिबली अग्रेसिव एंड द अदर पोकेमॉन ऑफ द फॉरेस्ट फियर इट. ओ लग भी भाई थोड़ा खतरनाक सा रहा है ये वैसे. ओके सो वी हैव गॉट ज़रूर. अगला हमें भाई वाइल्ड एरियन यूज़ को थोड़ा अपडेट कर रहे हैं क्योंकि भाई वाइल्ड एरिया में शाइनी वल्पिक्स मिलने का चांस है. और ऐसी वैसी वल्पिक्स नहीं भाई, शाइनी अलोलन वल्पिक्स मिलने का चांस है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ एक्चुअली यहाँ पर भी थोड़ी बीम्स हैं तो मैं इनको भी ट्राई आउट कर लेता हूँ. ये जो भी बीम्स हैं भाई इनमें हम लोग जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमें क्या शाइनी वल्पिक्स मिल सकती है. बट उससे पहले हम लोग ज़रा ट्राई आउट करेंगे अपने नए पोकेमॉन ज़रूर को और देखेंगे कि इफ़ ही इज़ एनी गुड. ओके सो देर ही है, 60 लेवल का है भाई है. इसके स्टैट्स ठीक है, मतलब लाइक तुम राइट साइड में देख सकते हो, एचपी डिसेंट है, अटैक डिसेंट है, डिफेंस बेस्ट है. हाँ मतलब ठीक है, इसकी 3 आईवी है, 3 स्टैट्स इसके बेस्ट हैं, बाकी 3 ठीक है डिसेंट है मतलब. ओके सो वी आर गना स्विच हिम अप विथ आर स्टट कंकटेक्टा. आई स्टिल डोंट नो हाउ टू से दैट बट ओके. ओहो भाई काफ़ी बड़ा है भाई ये तो, भाई साहब मेरे से ज़्यादा बड़ा ये तो यार. किस पे ट्राई आउट करें भाई इसको, हाँ किस पे ट्राई आउट करना चाहिए हमें. ओ क्या भाग रहा है मेरे पीछे, ओ शिट भाई क्या तगड़ा लग रहा है भाई भागते हुए, तो बहुत तगड़ा लग रहा है ब्रो. देख रहे हो तुम इसको, ये देखो ये देखो, अरे सही है भाई, ऐसा लग रहा है भाई मार डालेगा मेरे को भी भाई पकड़ के. शिट ओके, मेरे को लग रहा है कि मेरे को भाई यहाँ से जाना पड़ेगा. यहाँ पर ज़्यादातर आइस टाइप पोकेमॉन ही आ रहे हैं. आई एम गना गो टू द नॉर्मल वाइल्ड एरिया. ओके दिस इज मच बेटर. ओ यहाँ पे बीम्स भी आई हुई हैं, सो या वी कैन चेक इट आउट. इनको भी जाके देखते हैं ज़रा, क्या पता इनमें ही मिल जाए हमें. ओ शुड वी बैटल दिस गाय मे बी, या श्योर वाई नॉट मैन, लेट्स गो. ओके लेट्स सी क्या क्या अटैक्स है भाई तेरे पास. पावर विप, क्लोज कॉम्बैट, स्वैगर और स्नाल. हाँ इसके अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा बुराई है. ओके लेट्स जस्ट रन, कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा भाई हमें, वाटर टाइप ढूंढते हैं भाई. चलो पानी में कोई तो मिलेगा रे अपून को. अरे भाई इसमें भी आइस टाइप आ रहे हैं भाई, कमॉन. ओके ये कुछ तो मिला. शेल्डर तेरी जीभ अभी काटेगा रे मैं, शेल्डर खेल ले बेटे. एंड ओ शिट तगड़ा है भाई ये तो, तगड़ा है भाई. पावर विप यार, पावर विप और भी किसी के पास होता है क्या? होता होगा यार, मेरे को नहीं लगता इसका सिग्नेचर मूव है ये. भाई इसकी एबिलिटी क्या है वैसे, एबिलिटी भी जरा देखते हैं. और इसने कुछ आइटम भी पकड़ रखा, अच्छा लेफ्ट ओवर्स पकड़ रखा है इसने. ओके ओके ओके, लीफ गार्ड प्रिवेंट स्टेटस कंडीशंस इन हार्श सनलाइट. ओके चलो भाई है तो बढ़िया. इसको भाई हम लोग ट्राई आउट करेंगे इन मैक्स रेट बैटल्स. ऐसे छोटे मोटे पोकन पर ट्राई आउट करें मज़ा नहीं आता है ब्रो इसको. मुझे लग रहा है पहले क्लियरिंग करनी पड़ेगी तब जाके भाई हमें कुछ मिलेगा. ओके दिस इज़ नॉट परफेक्ट फॉर आर गाय, ये तो भाई घोस्ट और फायर टाइप भाई, ऐसे हमें एक अटैक में मार देगा ये तो. नोप नॉट गना गो देयर. ओके इसमें कुछ है ढंग का सा, लेट्स सी.
नहीं ये इसमें भी नहीं जा सकते भाई हम। ओह एक्चुअली हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे, हम लोग ये देखते ना कनेक्ट टू इंटरनेट करते हैं, और क्या पता किसी को भाई वल्पिक्स मिल रही हो उसके में घुस जाएंगे हम, और भाई मिल जाए क्या पता शाइनी कुछ बता नहीं सकते। ओके किसी को भाई मिल रहा है क्या वल्पिक्स? ओह आई थिंक दिस इज वल्पिक्स राइट, या दिस इज वल्पिक्स, इसको जरा हम लोग ज्वाइन करते हैं। ओह भाई 5 स्टार की वल्पिक्स है, पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस वाले में। वेल नो प्रॉब्लम हो, नो प्रॉब्लम हो ब्रो। ओ मेरे इसमें दिखा रहा है, ओके मैं ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ तो पता है क्या दिखा रहा है वो, देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर पार्टी पोकेमॉन, यू कांट पार्टिसिपेट इन अ बैटल बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर पार्टी पोकेमॉन। आर यू किडिंग मी ब्रो, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या मैं लाइक क्या मेरी पार्टी में कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि मैं ले जा नहीं सकता हूँ? लाइक ओके हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ओके जरूर को मैं अंदर रखूँ तो हो रहा है क्या, एक बार मैं ये करके देखता हूँ, या फिर मेल मेटल से भी हो सकता है वैसे दिक्कत, आई थिंक मेल मेटल की दिक्कत हो सकती है, पर पिछली बार हम लोगों ने यूज़ किया था यार इसको, आई रिमेंबर कि हम लोगों ने पिछली बार यूज़ किया था इसको। ओके चलो फिलहाल के लिए मतलब ऐसे रख देते हैं। ओके चलो अब ज्वाइन करके देखते हैं भाई, ये क्या अजीब बात है यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है। ओके अब मैं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट वियर्ड मैन। ओके अब ये अलग एरर है, पर फिर भी पता नहीं क्यों जरूर के साथ मैं नहीं कर पा रहा था यार। ओके फाइनली किसी बंदे को मैं ज्वाइन कर पाया, स्विच पोकन करते हैं भाई जल्दी से। जरूर को निकालना भाई इस केस में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, पर फिर भी भाई क्योंकि मुझे ट्राई आउट करना है बस इसको, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, नहीं तो सब लोगों ने फायर टाइप पोकन निकाला है। ओके वेट अ सेकंड, फिर से भाई वही चीज़ आई कि पोकन के साथ प्रॉब्लम है। ओके आई डोंट नो व्हाई दैट इज़, बट ओके फाइन तो हमें किसी और को ही निकालना पड़ेगा देन, लेट्स गो फॉर सिंड्रेस देन व्हाई नॉट। पर ये तो मतलब बहुत ही अजीब बात है ना यार, मैंने देखा है कुछ लोगों को जरूर के साथ लाइक लड़ते हुए बैटल्स, पर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जरूर के साथ? आई थिंक अगर मैं लोकल में बैटल करूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इट शाइनी, इज इट शाइनी? आई डोंट थिंक इट अ शाइनी, इसका मोल्ट्रे शाइनी लग रहा है पर मुझे। ओ या इसका डेफिनेटली मोल्ट्रे शाइनी है ब्रो, नाइस। ओके तो ये बंदा तो भाई शाइनी नहीं है, आई डोंट थिंक वल्पिक्स में इतना कलर चेंज होता है तो या हमें इतनी सही से पता नहीं चलेगा, बट ओके वील स्टिल कैच दिस गाय, लेट्स गो फॉर पायरो बॉल। बेचारा वल्पिक्स इतना गंदा मरने वाला है ना अभी, देख रहे हो तुम भाई साहब, बेचारा वल्पिक्स ब्रो, बेचारा वल्पिक्स। शील्ड लगाने का भी कोई फायदा नहीं है वल्पिक्स अब सीरियसली। ओह ओके जापानीज बंदा है भाई हमारी पार्टी में एक, मैक्स फ्लेयर। ओके दिस शुड डू अ लॉट ऑफ डैमेज। ओ याप देयर वी गो याप, और फाइनली भाई इससे आई थिंक मेरे वाले से हो जाएगा अटैक से, या डेफिनेटली हो जाना चाहिए। लेट्स सी मेरा सेंट्रेस इतना स्लो क्यों है वैसे। वेल एंड देयर वी गो, ऑसम चलो बहुत बढ़िया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था भाई। अगर हर वल्पिक्स को हराना इतनी आसान हो तो भाई हमें शाइनी बहुत जल्दी मिल जाएगा यार। ओके लेट्स कैच वन। ओ शिट यार मैंने नॉर्मल पोकल फेंक दी वैसे, मैं भूल गया था कि ये मैक्स वो नहीं है, लेयर नहीं है। मैक्स लेयर में तो भाई कुछ भी फेंको पकड़ में आ ही जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है ब्रो। क्या ये पकड़ में आ पाएगा? वी हैव टू सी अबाउट दैट ब्रो। आ गया शायद से, या आ गया, बढ़िया। आउसम 5 स्टार वल्पिक्स का हम लोग जरा देखते हैं समरी ब्रो। लगती तो भाई बढ़िया है वैसे वल्पिक्स यार, एकदम ब्लू कलर के कान इसके मस्त वाले, देखना पड़ेगा कि लाइक शाइनी वल्पिक्स कैसी दिखती है। ओके एनी मोर वल्पिक्स अराउंड हियर बॉय? आई डोंट थिंक सो, दिख तो नहीं रही है भाई यहाँ पे, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करेंगे तो शायद हो जाएगा। ओके बॉयज सो एज यू कैन सी हमें भाई वल्पिक्स मिल चुका है, और मैंने एक दिन बर्बाद किया है इसके काले कानों की वजह से सीरियसली। अगर तुम ढूंढ रहे हो उसको प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी सही काम में लगा लेना भाई, इससे अच्छा तुम भाई कुछ और खेल सकते हो। लाइक लिटरली मैन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको लेने में, बट या वी हैव फाइनली गॉट इट सो आई विल स्टॉप कंप्लेनिंग। पर मैन इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, 2% चांस है इसके आने का, पर मेरे को ऐसा क्यों लगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा, सीरियसली कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा भाई इसको मिलने में मुझे, और मैंने यूजुअल मेथड यूज़ नहीं किया बाय द वे, बट फिर भी हमें मिल गया है। मैंने थोड़ा चीटी तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मैं थोड़ा सिंपल मेथड यूज़ किया है, बट या वील टॉक अबाउट दैट लेटर, लेट्स गेट दिस ब्यूटी।
ब्यूटी क्या भाई, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम है भाई, सिवाय उसके कानों के। वी विल कंपेयर इट लिटिल बिट, देखेंगे भाई कि क्या है इसमें, ऐसा कुछ खास है क्या। ओके, वी शुड गेट हिम डाउन प्रीटी क्विक आई गेस। मैं NPCs को लेके आया हूँ, बट दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। फायर लैश, चलो ये तो बढ़िया हुआ कि फायर टाइप पोकन आए हैं NPCs के तौर पे। पर फिर भी आई एम लाइक ग्लैड कि हम लोग कम से कम, हम लोगों ने लाइक इस इवेंट में पार्ट लिया, हम लोग को एक शाइनी वल्पिक्स मिल जाएगा। रोज भाई ऐसे इवेंट्स नहीं आते हैं, और वैसे भी ये तो भाई 2 डे इवेंट है बस, तो अच्छी बात है भाई। यूजुअली भाई मेरे को नहीं लगता हमें मिल पाएगा इसमें वल्पिक्स। आई थिंक बस वो आइल ऑफ आर्मर में जो बंदा है वो डिटो वाला, जिसके अगर तुम डिग्लिट, हाँ उसके अगर तुम डिग्लिट ढूंढो तो तुम्हें ऐसे अलूलन फॉर्म्स देता ही है। बट या उसके अलावा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा अलूलन वल्पिक्स। ओ शिट, फ्रीज करा दिया भाई इसने तो मुझे, और ज़्यादा डैमेज भाई मैं ही कर रहा था, सो इट्स काइंड बैड फॉर अस ब्रो। मेरे पास होपफुली भाई आइस हील पड़ा हो, अगर पड़ा हो तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। लेट मी जस्ट सी, आइस हील बॉय, आई सील है क्या? ओके है मेरे पास भाई 23 आई सील्स हैं फॉर सम रीज़न। मैंने आज तक भाई यूज़ भी नहीं किया होगा इसको, बट फाइन, चलो भैया। और भाई ये होना चाहिए इसका एंड, अवॉइडेड द अटैक, नहीं भाई, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स गुड कि इसने भाई काम खत्म किया इसका। थैंक यू ए शाइनी वल्पिक्स, मेरे हाथों लग जा बस तू। अगर ये पकड़ में नहीं आई तो आई डोंट इवन केयर, मुझे लाइक मैं फिर से भाई पकड़ने भी नहीं वाला दूसरी। आई डोंट इवन केयर मैन, आई एम गना गो फॉर एन अल्ट्रा बॉल। भाई कई बार वैसे अल्ट्रा बॉल काम नहीं आती भाई यार, पता नहीं यार, पकड़ में आ जाना चाहिए पर ये, आई जस्ट होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई देख ले वल्पिक्स, तेरे को अच्छा ट्रेनर मिलने वाला है जो कि ये गेम कभी नहीं खेलेगा वापस से इसके बाद, पर फिर भी पकड़ में आ जा प्लीज रुलाना मत मुझे। कम ऑन, ओ गॉड प्लीज, एंड ओ यस बॉय। ओ भाई अब मैं शांति से अपनी पूरी जिंदगी जी सकता हूँ भाई, ये वल्पिक्स पकड़ने में लग गई भाई सही में। ओके देयर वी गो गाइस, वी हैव गॉट द शाइनी वल्पिक्स। ओके थोड़ा बहुत मैं डिफरेंस देख पा रहा हूँ, इसके ईयर एक्चुअली पर्पल है नॉट ब्लू। ओके लेट्स चेक हर आउट प्रॉपरली, ये अच्छा ये वाली वल्पिक्स नहीं है ना, एक सेकेंड मैं वो वाली वल्पिक्स निकालता हूँ ब्रो। सो आई थिंक ये वाली वल्पिक्स है, एक सेकेंड यही है ना, आई थिंक सो या, तो ये है भाई शाइनी वल्पिक्स। इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखते हैं कि ऐसा क्या भाई अलग है इन दोनों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। ओके तो ये है नॉर्मल वल्पिक्स, तुम इसको सही से देख लो, और ये है शाइनी वल्पिक्स। ओके अगर ऐसे देखे तो भाई देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ डिफरेंस, बट वैसे पता नहीं चल रहा था यार सही में। ओके तो पर्पल कान वान हो जाते हैं इसके, बाकी देखा जाए तो इसकी आँख सेम सी रहती है। या आई मीन इट इज कूल लुकिंग, बट ठीक है, मतलब यार इतना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सो वाइज या वी हैव गॉट द शाइनी वल्पिक्स, इवेंट भाई खत्म होने वाला है। और वैसे एक और चीज़ चल रही थी इसमें, डेलीबर्ड्स जो आ रही थी वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडीज दे रही थी, तो अगर कोई भाई खेलता है ये गेम तो लुकआउट फॉर दैट, तुम लोग को एक्स्ट्रा कैंडीज मिल सकती है बाई डिफीटिंग डेलीबर्ड्स। मेरे पास भाई एक्चुअली काफ़ी कैंडीज हो गई होंगी क्योंकि मैं इन पपलुओं को इतनी टाइम से हरा रहा हूँ। कितनी लार्ज कैंडीज हो गई भाई मेरे पास, मैं ट्राई कर रहा था क्यूमलेट करने का कैंडीज को, होपफुली आई हैव अ लॉट ऑफ देम नाउ। ओ भाई एक्सेल कैंडीज 32 हो गई मेरे पास, पता है ये कर करके। ओ माई एक्चुअल गॉड भाई, ओ भाई साहब, चलो बढ़िया भाई, कम से कम हमारा कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब हम लोग अगर मैक्स लेयर में जाएंगे कुछ शाइनी लेजेंडरीज के लिए तो उसमें काम आ जाएगा भाई ये सब। बट या बॉयज थैंक यू वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड, आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर भाई मजा आया हो तो भाई लाइक मार देना यार, फॉर ऑल दिस एफर्ट, कम ऑन मैन। और अगर तुम नहीं हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट इज फ्री। वेल एनीवेज, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।